दोस्तों काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कंप्लेंट रहता है, खासकर एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, जिनका कंप्लेंट रहता है कि वो सारा दिन ठीक रहते हैं, जैसे ही लेटते हैं उनका नाक बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पोस्चरल नोज ब्लॉकेज। मोस्टली एट नाइट ये होता है, और ये एडल्ट्स वो होते हैं जिनको या तो एलर्जीज होती हैं, या वो बहुत ओबीज होते हैं, या वो हो सकता है काफ़ी किसी एंटी हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। वो ये पेशेंट हैं जो लेटते हैं, उनका नाक के अंदर का टिश्यू सूज जाता है और वो नाक बंद हो जाता है। इनका एग्जामिनेशन अगर हम करें तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं। ईएनटी डॉक्टर अगर देखे तो उनको या तो नोज का हड्डी टेढ़ा दिखेगा, या उनके टर्मिनेट्स इनलार्ज्ड होते हैं। मैक्सिमम टाइम इन पेशेंट्स के टर्मिनेट्स जो होते हैं, जो साइड में टिश्यू होता है नाक की हड्डी के, वो काफ़ी इनलार्ज्ड होता है। वो एक बैलून टाइप होता है, टिश्यू होते हैं दोनों तरफ एक एक, वो फूल जाते हैं लेटने पे, और वो मैक्सिमम देखा गया कि दैट हैपन्स इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज। मोस्टली डस्ट माइट एलर्जीज इन पेशेंट्स में होती है, जो कि लेटते हैं अपने बेड पे, उनको एलर्जीज होती हैं, उनका नाक जो है वो बंद हो जाता है। कई पेशेंट्स में इवन वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, स्नीजिंग भी होती है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में सिर्फ ब्लॉकेड ही रहता है। ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए जो कि स्मोकर हैं, क्रोनिक स्मोकर हैं, उनमें भी रात को लेट के नाक बंद होना एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। ऐसे पेशेंट को एग्जामिनेशन में हम डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर एग्जामिनेशन के अलावा अगर हम ना डायग्नोज कर सकें तो हम एक सीटी स्कैन करा सकते हैं। इन पेशेंट का साइनस सीटी होना चाहिए, उसमें हमें ये दिख जाता है कि इनके टर्मिनेट्स इनलार्ज्ड हैं और इनको या साइनोसाइटिस है या इनकी हड्डी टेढ़ी है। ऐसे पेशेंट्स को रात को नाक खुलना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट स्लीप एपनिया में जा सकते हैं एज ए कॉम्प्लिकेशन। ऐसे पेशेंट्स का नाक को रात को रिलीव करने के लिए हमें मेडिसिन दी जा सकती है। हम पेशेंट्स को एंटी एलर्जिक पे डालते हैं, नेजल स्प्रे पे डालते हैं, कई बार शॉर्ट टर्म के लिए टॉपिकल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स भी डालते हैं, और ये पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर ये पेशेंट ना इम्प्रूव हो, उसका मतलब होता है कि इनको क्रोनिक एलर्जीज हैं, ये प्रॉब्लम इनको क्रोनिक चल रही कई सालों से, तो ये अभी मेडिसिन से इसका इम्प्रूव होना मुश्किल है। ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जिकल इंटरवेंशन से इनके टर्मिनेट हम लेज़र से रिड्यूस करते हैं, अगर हड्डी टेढ़ी या बड़ी हो तो उसको स्ट्रेट करते हैं, और ब्रीदिंग का पैसेज हम इनको रिस्टोर करते हैं, और इनका नेजल ब्लॉकेज एट नाइट, पोस्टरल नेजल ब्लॉकेज रिलीव हो जाता है। एंटी एलर्जिक्स इन पेशेंट्स में काफ़ी ज़रूरी रहते हैं, और ये पेशेंट लॉन्ग टर्म एंटी एलर्जिक्स पे रहने से ठीक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।